भारतीय सेना का कहना है कि चीन की सीमा पर किसी भी भारतीय सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया है। भारतीय सेना ने खंडन करते हुए कहा कि ये खबरें गलत हैं। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों की ऐसी खबरों से केवल राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचता है। चीन से जारी तनाव के दौरान भारतीय सेना का यह खंडन तब आया है जब भारतीय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग टीम को चीनी सेना द्वारा बंधक बनाने और बाद में रिहा करने की खबरें आई थी। हफ्ते भर पहले ऐसी खबरें आई थी कि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवानों को पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने हिरासत में ले लिया था और उनके हथियारों को भी अपने कब्जे में कर लिया था। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए दोनों तरफ के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इस बीच खबरें हैं कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पेंगोंग सो झील और गलवान घाटी में चीनी सेना तेजी से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। चीन के इस कदम के पीछे उसकी मंशा ये जताने की है कि चीन भारतीय सेना के साथ टेंशन जल्दी खत्म करने की तैयारी में नहीं है। सामरिक मामलों के जानकारों का कहना है कि चीनी पक्ष ने खासतौर पर गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और बीते दो हफ्तों में लगभग 100 टेंट लगाए हैं। भारतीय सेना की कड़ी आपत्ति के बावजूद चीन क्षेत्र में बंकर बनाने के लिए आवश्यक मशीनें ला रहा है। बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने लेह स्थित 14वीं कोर के मुख्यालय का 22 मई को दौरा किया और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ LAC के पास क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सैन्य सूत्रों ने कहा कि पेगोंग सो झील और गलवान घाटी में भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। पूर्वी लद्दाख में 5 मई की शाम को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इस झड़प में 100 भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में 9 मई को ऐसी ही झड़प हुई थी। पिछले एक हफ्ते में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने कई बार अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने कम से कम 5 बैठकें की हैं, जिसमें भारतीय पक्ष ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गलवान घाटी में बड़ी संख्या में तंबू लगाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और कहा कि ये इलाका भारत का है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।